नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन जुगाड़ टेक में। दोस्तों, अभी एप्पल के द्वारा अपनी नई स्मार्ट वॉच एप्पल वॉच सीरीज 3 इंडिया में लॉन्च की गई है और यहाँ पर ये सेल की जा रही है एयरटेल और जियो के द्वारा। साथ में एयरटेल और जियो यहाँ पर जो अपनी ई सिम है उसके द्वारा इस पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जियो ने जो यहाँ पर एयरटेल की ई सिम सर्विस है उसको लेकर जो डॉट है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वहाँ पर जो है शिकायत दर्ज की है। और क्यों ये ऐसा किया है जियो ने, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि एप्पल की नई स्मार्ट वॉच इंडिया में लॉन्च की गई है और यहाँ पर ये है एप्पल वॉच सीरीज 3। यहाँ पर जियो के द्वारा इन पर जो नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप अपने सेम नंबर को दो जगह यूज कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन में भी साथ में अपनी स्मार्ट वॉच में भी, और ये हो पा रहा है ई सिम के कारण। ठीक ऐसी सर्विस यहाँ पर जो है एयरटेल के द्वारा दी जा रही है, लेकिन आज जियो ने जो डॉट है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वहाँ पर इसके खिलाफ यानी कि एयरटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और यहाँ पर बड़ी पेनल्टी लगाने को कहा है। और ऐसा जियो ने किस लिए कहा है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ई सिम सर्विस है उसके लिए जो यहाँ पर नोड्स चाहिए वो एयरटेल ने यहाँ पर इंडिया में नहीं स्थापित किए हैं और जो एयरटेल यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ई सिम की वो फिलहाल प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के आउटसाइड से, यानी कि वहाँ पर जो डेटा ब्रीच है वो हो सकता है। और एप्पल वॉच सीरीज 3 के इंडिया में जो भी यहाँ पर यूजर्स रहेंगे उन सब का जो डेटा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंडिया के आउटसाइड पे चली जाएगी, जो भी जो नोट्स वहाँ पर स्थापित किए गए वहाँ पर चली जाएगी और वहाँ से जो डेटा है वो लीक हो सकता है। और बताया जा रहा है जियो के द्वारा जो ई सिम के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं उनको यहाँ पर जो है वायलेट किया है एयरटेल ने और इसलिए एयरटेल पर यहाँ पर जो है पेनल्टी लगाई जाए। तो देखते हैं इस बार जो डॉट का रिप्लाई है वो क्या आता है और क्या कुछ यहाँ पर जो है एयरटेल पर पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है या नहीं लगाई जाती है। तो दोस्तों ये कुछ न्यूज़ निकल कर आया था आज जियो और एयरटेल की तरफ से। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।